वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ मैथ्स फंक्शंस गिवन टू अस हियर ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मैथ्स फंक्शन इज गिवन ऑल फंक्शंस लिस्टेड हियर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स। लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल एन फंक्शन की बात करेंगे एल फंक्शन का सिंटेक्स it takes only one argument that is in the form of number ln function ka purpose kya hai ln function returns the natural logarithm of a number when we talk about natural logarithm of a number natural logarithms are based on the constant e jiski approximate value hai 2.71828182845904

मैंने ये एक नंबर लिया और इस जगह के ऊपर मैं एल फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इक्वल्स टू एल एन आर्गूमेंट नंबर के केस के अंदर मैंने रेफरेंस दे दिया सेल नंबर ए एट का पेरेंथिस क्लोज आई एंटर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई वन इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूँ हमारे पास यहां पर नेचुरल ऑग्रिथम ऑफ द वैल्यू ऑफ द देंट इन आ गई एक और मैं नंबर को टेक अप कर रहा हूँ बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट वन यहां पर मैं एक्सपोनेंट को टेक अप कर रहा हूँ exp, और नंबर आर्गूमेंट की फॉर्म के अंदर इट इज थ्री इस जगह के ऊपर मैं एल एन फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा एल एन ई एक्सपी एक्सपोनेट नंबर इज थ्री पेरेंथिस क्लोज फाइनल पेरथिस क्लोज आई प्रेसेंट मेरे पास यहां पर एक वैल्यू जनरेट होकर आ गई थ्री इसके लिए हमने एल एन के इस फंक्शन को यूज किया है दिस इज द नेचुरल लॉग्रिथम ऑफ इ रेज टू दावर ऑफ थ्री स्टूडेंट एक चीज को आप याद रखेंगे दिस एल एन फंक्शन इज द इन वर्स ऑफ इ एक्सपी फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन एल फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन सो इस तरह से ये हमारे एक छोटा सा फंक्शन यहां पर कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच